ही बच्चों को आपने मिट्टी खाते हुए देखा होगा। हो सकता है कि कभी आपने भी बचपन में मिट्टी खाई हो। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार बच्चे क्यों मिट्टी खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपने छोटे बच्चों को चौक, मिट्टी या फिर दीवार में पेंट की सुरचन खाते हुए देखा होगा। कई बार कहने के बाद भी बच्चे इस आदत को छोड़ नहीं पाते। और क्या आपको पता है कि बच्चे आखिर मिट्टी या चौक खाते क्यों हैं? आपको इसके पीछे की वजह जानकर सच में हैरानी होगी। मिट्टी खाने की ये परेशानी ना सिर्फ बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी देखी जाती है। हालांकि ये समस्या 1 से 7 साल के आसपास के बच्चों में ज्यादा होती है। दरअसल बच्चों में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन तत्वों जैसे आयरन, जिंक आदि की कमी के कारण ही मिट्टी जैसी अजीबोगरीब चीजें खाने की इच्छा पैदा होती है। आपको बता दें कि छोटे बच्चों में मिट्टी खाना खून की कमी की निशानी है। इसका कारण बच्चों की खुराक में सिर्फ दूध का भी होना हो सकता है। और तो और हर चीज में दूध का मिश्रण होने से बच्चों में खून की कमी हो जाती है। साथ ही बच्चों की खुराक में सब्जियां, अनाज, दाल की कमी होने से भी ये दिक्कत आती रहती है। दरअसल बच्चों के मिट्टी खाने के पीछे की वजह पीका ईटिंग नामक एक विकार होता है। इसे ये नाम एक पक्षी के नाम से मिला है जो कि कुछ भी खाने के लिए मशहूर है। कुपोषण को बच्चों में पीका एक वजह माना जा सकता है। और तो और कुछ बच्चों में मिट्टी खाने की आदत ऑटिज्म नामक बीमारी की वजह से भी हो सकती है। गौर इस बात पर कि इस बीमारी में बच्चों का मानसिक विकास ठीक तरह से नहीं हुआ रहता है। और तो और हालांकि कभी कभार बच्चे ऐसा सिर्फ जिज्ञासा की वजह से भी करते हैं। साथ ही साथ आसपास के वातावरण को समझने के लिए वो हर चीज को मुंह में डालकर परखने की कोशिशें भी करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी आदत छूटती चली जाती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सके। और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बताएं।